एक के बाद एक अनियमितताएं आ रही है सामने। सूरजगढ़ नगरपालिका बजट बैठक में उठा मामला। नगरपालिका ने पानी में कर दिया भ्रष्टाचार। वाइस चेयरमैन रामस्वरूप जांगिड़ ने उठाया मामला। 10 रुपए की कैन के भुगतान किए गए 46.72 पैसे तत्कालीन यो तहसीलदार स्वाति झा पर लगाया आरोप। बोले कर्मचारियों से मिली भगत कर जमकर किया भ्रष्टाचार। चेयरमैन और ईओ ने कहा मामले की जाँच करवाएंगे। इधर नगर पालिका का 21.12 करोड़ का बजट हुआ पारित। बाजार में आपको आमतौर पर 10 रुपए प्रति कैन के हिसाब से फिल्टर पानी मिल जाएगा, लेकिन झुंझुनू के सूरजगढ़ नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी खुद और आने वाले लोगों को लगभग 47 रुपए प्रति कैन के हिसाब से पानी पिलाते रहे। प्याज भी ऐसी थी कि जनवरी के महीने में सर्दी के मौसम में भी नगर पालिका में महीने की 148 कैन पानी की खप रही थी, तो जून माह में तेज गर्मी के मौसम भी यह आंकड़ा 150 कैन पानी ही रहा। यह हम नहीं बल्कि नगरपालिका की बजट बैठक में आया और इस पर हंगामा भी हुआ। दरअसल बजट बैठक के दौरान वाइस चेयरमैन रामस्वरूप जांगिड़ ने तत्कालीन ईओ तहसीलदार स्वाति झा के कार्यकाल में हुए कार्यों की जाँच कराने की मांग की। उन्होंने एक उदाहरण पेश करते हुए सदन का ध्यान आकर्षित किया और आरोप लगाया कि स्वाति झा ने जनता के पैसों को मिली भगत कर पानी पिला दिया। वाइस चेयरमैन रामस्वरूप जांगिड़ ने सदन में बताया कि जनवरी से जून 2023 तक नगर पालिका में 904 पानी की केन का बिल 42,240 रुपए पास किया गया। इस बिल की गुणा भाग करें तो सामने आता है कि जो पानी का कैन आसानी से बाजार में 10 रुपए प्रति कैन के हिसाब से मिलता है, उसका नगर पालिका ने 2-3 गुना नहीं बल्कि करीब 4.5 गुना से ज्यादा 46.72 पैसे प्रति कैन के हिसाब से भुगतान कर दिया। इस पानी के बिल में भ्रष्टाचार की गंदगी भी इसलिए महसूस हो रही है कि जनवरी में नगर पालिका में 148 कैन पानी के पिए और पिलाए गए, जब सर्द मौसम होता है, जबकि जून में 150 कैन पानी के पिए और पिलाए गए, उस वक्त भयंकर गर्मी होती है। वाइस चेयरमैन जांगिड़ ने कहा कि ये बात भी कम हजम होने लायक है, जिससे साबित होता है कि जो अधिकारी कर्मचारी पानी जैसी पवित्र और पुण्य की चीज में भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उन्होंने मौका मिला तो क्या क्या नहीं किया होगा। ये जांच का विषय है। मामले को लेकर चेयरमैन पुष्पा गुप्ता व अधिशासी अधिकारी हेमंत कुमार तंवर ने जाँच करवाने की बात कही। इससे पहले नगरपालिका सभागार में चेयरमैन पुष्पा गुप्ता की अध्यक्षता में नगरपालिका बजट बैठक का आयोजन किया गया। ईओ हेमंत तंवर ने सदन में बजट रखा, जिसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस बार नगरपालिका का बजट 21,12,87,000 रुपए का रखा गया। बैठक में विधायक श्रवण कुमार मौजूद रहे। पालिका की आय बढ़ाने के लिए भूमि विक्रय से और नगरीय विकास कर और अन्य जो राज्य सरकार द्वारा आय के निर्देश दिए गए हैं, आय वसूली के लिए नगरीय विकास कर से वसूली है, राजस्व विज्ञापन से जो वसूली है, यूजर चार्ज से NGT के ऑर्डर के अनुसार यूजर चार्ज से वसूली है, उनसे वसूली करते हुए और नगर पालिका की निजी आय बढ़ाने की ये प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें मंडल के स्वीकृत बजट अनुसार प्राप्ति की पूरी प्रयास किए जाएंगे। कालिनियो स्वाति झा द्वारा पानी के कैनों का भुगतान किया गया, जिसमें जनवरी 2023 में भुगतान जून 2023 तक का 904 कैनों का 42,240 रुपये का भुगतान किया गया। प्रति कैन 46.72 रुपये का पड़ता है, जो स्पष्ट धांधली और गमन है। नंबर दो, अगस्त माह में 19,800 का भुगतान एक ही दिन में किया गया। महंगाई राहत कैंप बोलकर एक दिन में 19,800 रुपये का भुगतान कराया गया, यह भी स्पष्ट गमन है।